वेलकम टू एंग्लो डिक टू माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 DAV बोर्ड। तो चलो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द फन द हेड। आपने कहा था कि सर सारे चैप्टर्स डाले हैं और जो सबसे मुश्किल चैप्टर है द फन द हेड, वही आपने नहीं डाला है प्लेलिस्ट में। तो चलो ये छूटा हुआ था इसे आज मैं डाल देता हूँ। सुनो इसके बारे में, द फन द हेड पहले टाइटल समझ लो, फिर आधा तो यही काम हो जाएगा। दे यहाँ पर है हम लोग, ठीक है। द फन यानी हम लोग आज स्कूल में क्या है, जैसे मैं जाता हूँ आपके स्कूल में पढ़ाने, आप बैठ के पढ़ते रहते हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फन कर रहे हैं। अब फ्यूचर वाले लोग क्या बोलेंगे कि द फन दे हैड, यानी जो हम लोगों ने फन किया वो कह रहे हैं फ्यूचर में, आज से 30 साल 50 साल बाद वो कहेंगे द फन दे हैड, कितना अच्छा क्लासरूम था उनका, दोस्तों से मिलते थे, लिवली टीचर आते थे और फिर वो बहुत फन करते थे। तो हमारे बारे में ही ये कहा गया है दे, यानी द फन दे हैड मतलब फन वी आर हैविंग नाउ। तो चलो प्री रीडिंग टास्क में देखते हैं, टाइटल आई होप समझ गए होगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं वहाँ पर फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा। रीड दीज क्वेश्चंस एंड सेप योर रिस्पॉन्सेस विद योर पार्टनर। तो देखो यहाँ पे क्लाउड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू योर स्कूल एंड देन व्हाट वुड हैपन इफ योर टीचर्स, राइट साइड में पढ़ रहा हूँ, टीचर्स वर रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, अगर टीचर्स की जगह कंप्यूटर आ जाए तो तुम क्या करोगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच टू स्कूल, कितना समय लगता है आपको स्कूल जाने में, ठीक है। व्हाट वुड यू प्रेफर स्टडिंग एट स्कूल और गोइंग टू स्कूल, तो स्टडिंग एट होम और गोइंग टू स्कूल, घर में पढ़ना अच्छा लगता है आपको या स्कूल में। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर इन योर स्कूल, वुड यू लाइक टू वर्क लॉन्गर, क्या आप कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर के पास डेस्क पे बैठ के डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे। तो ये प्री रीडिंग क्या दिखाता है कि दो माहौल है यहाँ पर, एक तो है ट्रेडिशनल स्कूल जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ हम जा करके ट्रेवलिंग करके जाते हैं बस में या अपने कार में या फिर व्हीकल्स में और वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। दूसरा माहौल ये है कि हम घर में ही कंप्यूटर या रोबो रखें और फिर रेडीमेड पढ़ाई करें। तो ये उसी वर्सेस में ये चलता है चैप्टर। तो चलो देखते हैं आगे हम। नाउ रीड दिस स्टोरी बाय आइज़क असिमोव। तो आइज़क असिमोव ने क्या है ना, जो साइंस फिक्शन लिखने वाले लोग होते थे भविष्य में, वो क्या होता है कि वो सारा सही हो जाता है, और जो ये लोग लिखते थे वो कभी न कभी सही हो जाता था। जैसे जूल्स वर्न ने लिखा था कि कैटापुल्ट से वो नाव में करके लोगों को चांद पे भेजे थे, जब चांद पे बाद में सही में नील आर्मस्ट्रांग वगैरह चले गए, ठीक है। तो जो साइंस फिक्शन वाली कहानियाँ होती है भविष्य में अक्सर सच भी हो जाया करती है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में हिंदी में भी बता दूं कि मार्गी ने अपने 17 मई 2155 यानी 2155 के डायरी के पन्ने पर लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। अब जो मार्गी है इसमें एक लड़की है, ठीक है। मार्गी के दादाजी ने बताया था कि उसके दादाजी कहते थे कि एक समय ऐसा था जब सभी पुस्तकें पन्नों पर छपती थी, ठीक है। तो इस तरह का यह कहानी है कि उनको आश्चर्य हो रहा है कि दादाजी के दादाजी बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो बुक पहले प्रिंटेड होता था और पढ़ने के लिए स्क्रीन को आगे पीछे नहीं करना पड़ता था बल्कि पेज को करना पड़ता था। तो ऐसा यह कहानी है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको अच्छा लगता है समझना, और अगर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आता भी है 8 में तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2155 ही सी रोट टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। तो डायरी पेज में उसने लिखा कि आज टोमी को एक किताब मिला है। किताब, अरे बाप रे। अच्छा, आज से अगर 50-100 साल बाद जब पेड़ सारे ख़त्म हो जाएंगे मान लो, और फिर वहाँ पर एक ही पेड़ रहेंगे किसी भी फॉरेस्टोरियम में, और वहाँ जाके हम पेड़ देखेंगे और बच्चों को अपने दिखाएंगे, ये देखो बच्चे इस तरह का रियल पेड़ होता था कभी, हम लोग के पास आसपास बहुत सारे पेड़ होते थे। तो उसी तरह से आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर रियल बुक के लिए भी। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, है ना। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एकदम छोटे थे, हीज ग्रैंडफादर छोटे थे, तब उनके दादाजी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रैंकी। क्रैंकी क्या होता है, रिंग जो जल्दी टूट जाए, फूट जाए, बहुत येलो हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होकर के। आप देखते हैं पुराने बुक आपके यहाँ होंगे तो कैसे पेज हो जाते हैं उसके क्रैंकी एंड येलो। इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली फनी मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली फनी। तो रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और देखो यहाँ पिक्चर भी है और कैसा बुक है पुराना सा, देखो कैसे है। और हंसी की बात यह है, फनी यह है ना कि वो बुक का जो लेटर्स है ना वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए मार्गी और टोमी को वो बहुत जिज्ञासु बना रहा है कि अरे बाप रे, यहाँ का जो पुस्तक का जो हास्यास्यजनक जो रूप देखा हंसी लायक, वो ये था कि वहाँ के लेटर्स तो हिल डुल ही नहीं रहे हैं। अब देखो पैराग्राफ 2 से मैं पढ़ता हूँ। गी, तो गी क्या है या जी क्या है एक्सप्रेशन, देखो बगल में लिखा भी, अरे वाह इस तरह का एक्सप्रेशन है ये, सेड टोमी व्हाट अ वेस्ट। और दूसरा इसका एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, छी क्या ये फालतू चीज़ है, है ना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप पढ़ेंगे इसको तो आपको मजा नहीं आएगा, फेंक देंगे आई गेस।
आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो मिलियंस ऑफ बुक है, बस क्लिक करो बुक निकल जाते हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइन सेड मार्गी, सी वॉज 11। देखो ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि उसका एज क्या था, है ना। सी वॉज 11, वॉट वॉज द एज ऑफ हर, ये फैक्चुअल डाटा, इसको हाईलाइट कर लेना, याद रखना। एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिला ये बुक तुमको। चलो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, राइटिंग पैनल को, फिर आगे चलता हूँ। देखो इन माई हाउस से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इस पिक्चर के राइट में देखो। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक। ये अटिक क्या होता है, देखो यहाँ पे हार्डवर्ड भी दिया होगा। अ रूम, देखो यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ये देखो अटिक, ए रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, ऐसे जनरली इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि कभी कभी हम लोग ना अटिक पे जाके ब्रश करते हैं ना, खड़ा होकर और लोगों को देखते रहते हैं, वो एरिया। वॉट इज़ अबाउट स्कूल, अबाउट स्कूल बुक किस बारे में है, किस रिलेटेड स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी को लगता है स्कूल के बारे में कि आई हेट स्कूल, स्कॉर्नफुल है वो, फुल ऑफ हेटरेड स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। उनका स्कूल क्या है, बेडरूम के बगल में एक रूम है जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, वही उनका स्कूल है। रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर, आप इसको अंडरलाइन कर लेना जैसे मैंने यहाँ किया है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, ये क्वेश्चन आते रहता है बराबर 8 में कि क्यों नफरत करती थी वो ज्योग्राफी टीचर से, मैकेनिकल टीचर से, टेस्ट पे टेस्ट लेता रहता था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, उसका लुक दिया है कि कैसा था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल्स एंड वायर्स से भरे हुए थे उसके पूरे शरीर में। एंड ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। तो देखो तो उसका टीचर जो था वो बार बार वो ज्योग्राफी सेक्टर उसका खराब हो गया था स्लॉट, और इसलिए टीचर को ले जाता है। तब मार्गी सोची कि भाई टीचर गया तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ दिन तक आराम से रहना है, लेकिन टीचर जल्दी ही रिपेयर होकर आ जाते हैं। हम जाते हैं हॉस्पिटल और ऐसे टीचर कहाँ जाएंगे, रिपेयर स्टेशन। यस, तो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। हम्प्टी डम्प्टी वाले याद है ना, पुट इट टुगेदर अगेन, हम्प्टी डम्प्टी, है ना। तो फिर से इसको सेट करना इतना जल्दी हो जाएगा ये उसे नहीं लगता था, बट ही नो हाउ टू सेट ऑल राइट। लेकिन वो तो मिस्त्री था, मैकेनिकल नॉलेज था उसको, तो सही उसको सही कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर, सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूँ, मिलाते जाओ। आफ्टर एन आवर और सो देर वॉज देर इट वॉज अगेन, लो एक आध घंटा में फिर वो वापस आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्ड। दैट वॉजेंट सो बैड, वो भी चलो कोई बात नहीं था। द पार्ट सी हेटेड, सबसे ज़्यादा जो नफरत था ना उसको, वो अंडरलाइन किया हुआ है, उसको एक क्वेश्चन भी आएगा, अभी अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। The part she hated most was the slot where she had to put homework and test paper. जहाँ जिस स्लॉट में वो डालती थी टेस्ट पेपर, वो गियर अप हो गया था, इसको याद रखना। She always has to write them, had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उस समय ही पंच कोड इन लोगों को सीखना था। तो देख लो भाई, कोडिंग का ज़माना तो है। एंड द मैकेनिकल टीचर कुल कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अभी आपके टीचर लेते हैं, मैं लेता हूँ कॉपी, तो एक दो दिन बाद लौटाता हूँ। टेस्ट कॉपीज है ना, फाइनल एग्जाम की कॉपीज 8-10 दिन बाद मिलती हैं, और बस वहाँ क्या है, वहाँ तो डाले कॉपी, चेक होके निकल गया पंच कोड को रीड करके। तो देखो, द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड हर हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इसका गलती नहीं है, ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ये लाइन याद रखना कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसमें गियर अप हो गया था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया है, ठीक है। तो किस लिए फॉल्ट आ रहा था ये आप याद रखना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में भी आएगा। चलो, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये देखो मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। आई हैव स्लोड, उसने स्लो कर दिया है थोड़ा, इसको एवरेज लेवल पर कर दिया है। कैसा कर दिया, एवरेज लेवल पर, क्या रिपेयरिंग हुआ, यही रिपेयरिंग हुआ है, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, एक लाइन छूट रहा है ना, पढ़ देता हूँ। चलो ये लाइन पढ़ देता हूँ। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही
petted Margie's head again, और फिर से मार्गी के हेड पे थपकी देता है। और यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, उसे मज़ा नहीं आ रहा था। सी हैड बीन होपिंग दैट वो टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, उसे लग रहा था ना कि टीचर अब कुछ दिन के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि चला जाएगा। दे हैड वंस टेकन टोमीज टीचर, एक बार टोमी के टीचर को वो लोग ले गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस था कि वो नियरली ए मंथ लगाए थे, एक महीना लगभग लगा था उनको। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। सो सी सेड टू टोमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। टोमी लुकड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। स्कूल के बारे में क्यों लिखना था? आँखों में चमक लेकर के वो देखता है, वो गौर करके देखता है, यानी जिज्ञासा भरी आँखों से देखता है कि भाई ये हमारे जैसे स्कूल नहीं था। स्टूपिड, दिस इज एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना तरीका का स्कूल था, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टीली, बढ़ा चढ़ा के बोला। ठीक है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, जोर देके बोलता है, सेंचुरीज अगो, युगों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, बड़ा दुख होता है उसको। वेल आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड। एनीवे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो उनके पास एक जिंदा टीचर था, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। अरे भाई वो टीचर तो आदमी था, बीमार भी पड़ सकता था, वो एक दो दिन छुट्टी भी ले लेता था, फिर अरेंजमेंट में आते हैं टीचर, देखते ही वो अपने स्कूल में। इट वॉज ए मैन, आखिर ये आदमी था भाई, बीमार पड़ने वाला, समस्या वाला आदमी। मैन, देखो उस समय के बच्चों का जरूर मैन और टीचर, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? देख लो भाई फ्यूचर की बात है। वेल से मिलाओ, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। अच्छा, ए मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, मैन इतना कहाँ से स्मार्ट रहेगा? श्योर ही इज, रहता था पहले के टीचर, बताता था सब कुछ। अरे भाई तो पढ़े लिखे हैं टीचर, किस लिए बता नहीं पाएंगे, तो फिर उनको रखेगा कौन? माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही कांट, ए मैन कांट नो मच एज टीचर, टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर, तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेट, उतना ही जानते थे वो लोग भी। देखो नहीं भाई, यही बेट चाहिए अभी मुझे। देखो मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मीन्स बहस करना, किसी को अपनी बातों में हराना, आर्ग्यू करना। आई वुडंट वॉन्ट टू अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, एक अनजान आदमी आके मुझे पढ़ाएगा मेरे घर में? नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसा टीचर नहीं चाहिए, अनजान आदमी घुस के पढ़ाएगा यहाँ। टोमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो हंसने लगता है टोमी, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिंट लिव इन द हाउस, वो तुम्हारे घर में घुस के थोड़ी रहेगा भाई, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। टीचर मतलब क्या, उसके बेडरूम के बगल में स्कूल था मैकेनिक, तो वही सोचता कि टीचर वहाँ घुस के जिंदा आदमी रहेगा, पढ़ाएगा, वो डर रही। अरे भाई ऐसा नहीं है, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था स्कूल का, जैसे हमारा वहाँ टीचर आते हैं, बैठते थे, पढ़ाते थे, ऐसा था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, बच्चे वहाँ जाते थे। अब इसको समझ में आ रहा था, अब इसको लगा रहे वाह कितना मजा था रे, एंड ऑल द काइंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, क्या सब एक ही चीज़ सीखते थे? इफ़ दे वर इन द सेम एज में रहेंगे, 5 में 6 में 8 में 9 में, तो वही ना सब बच्चे पढ़ेंगे। माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। देखो कितनी अच्छी बात है ये कि स्कूल में टीचर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी देख के पढ़ाते हैं, किस बच्चे को कैसा एग्जाम्पल चाहिए वो देख के पढ़ाते हैं, है ना? अब ये मैकेनिकल टीचर नहीं कर सकता ना, वो तो जो फिक्स है वही करेगा। तो ये एक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आर्गूमेंट कभी आपका रोल प्ले होगा स्कूल में, तो आपको बताना होगा कि दोनों टीचर में क्या अंतर है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आज से, ठीक है? चलो जस्ट से पढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उस तरह से वो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आई डिडंट से आई डिडंट टेक इट, मार्गी सेड क्विकली। सी, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं लाइक करती हूँ, डबल नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देखो डबल नेगेटिव है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं, यानी डबल नेगेटिव यानी पॉजिटिव यानी पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, ये ग्रामर भी सीखते चलना है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, अब चलो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल स्कूल टाइम हो गया भाई आ जाओ। मार्गी लुकड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। देखो अब ये भी बात याद रखना कि वो लोग चाहते थे ना, वो अपना रिशेड्यूल कर सकते थे कि अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा फिक्स टाइम है स्कूल में, नहीं पढ़े तो गया, वो घंटी आपका निकल गया, वो दिन निकल गया।
तो मार्गिस सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हम लोग पढ़ें बुक? तो मे बी ही सेड नॉनसेलेंटली। नॉनसेलेंटली का मतलब क्या होता है? शांति से। देखो ये वर्ड भी सीख लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा हुआ, है ना? पीसफुली, पीसफुली, नॉनसेलेंटली में शांति से। इसने नीचे लिख भी दिया, देखो कामली में, काम में शांत। ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग, और फिर ऐसे बजाते हुए निकल गया। फिर इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा ऐसे, हाँ। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म, और अपने आर्म में वो बुक को रखे हुए था। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, चली गई क्लास करने। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, देखो कहाँ पर था ये याद रखना, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसलिए किया किसी बच्चे ने यहाँ, ये आंसर है, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे सैटरडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो उनकी मम्मी कहती है फिक्स टाइम पे निश्चित समय पर सीखने से हम अच्छा सीखते हैं। तुम देखो ये पिक्चर, द स्क्रीन वॉज लाइट अप, स्क्रीन लाइट हो गया अब, मतलब कि टीचर ऑन हो गया। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फंक्शंस, आ गया भाई कमांड टीचर का, प्लीज इंसर्ट अस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, चलो टीचर को होमवर्क चाहिए अब स्लॉट में डालो। तो मार्गी डिड सो, ऐसा ही किया उसने, विद ए शाय, लो भाई डाल दिया, हाँ शाय। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, सब वो सोच रही थी कितना अच्छा था यार ओल्ड स्कूल में, यानी जैसे हम लोग का है भी, और वो सोच रही हम लोग के बारे में, दे यानी कि हम लोग हैड। वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, कितना मजा आता होगा उनको, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे गाँव मोहल्ले के लोग जाते थे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में सब लोग घर जा रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वाह क्या स्कूल होता होगा। देर लर्निंग द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, क्या होमवर्क है एक दूसरे से डिस्कस किए बनाए, है ना, मजा आता होगा इस स्कूल में, आता ही है हमें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जिंदा लोग पढ़ाते थे टीचर। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उधर स्क्रीन पे आ रहा है मैसेज, वेन वी एड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ऐसे बकरा वो ठीक है, आके तो मशीन है ना। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो देखो टाइटल को लास्ट में भी लिखा है कि अरे द फन दे हैड हमारा टाइटल है, आईजे का सीमो ने लिखा है, और यही टाइटल लास्ट में उन्होंने लिखा है, कितना अच्छा क्लोजिंग है उनका, कि वो सोच रही है कितना मजा करते होंगे तब के बच्चे। ऐसे ही चैप्टर समाप्त हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर मैं बोल दूँ, उसके बाद मैं एंड करूँगा, जल्दी से मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टॉमी फाउंड ए रियल बुक अबाउट स्कूल, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। द पार्ट दैट मार्गी हेटेड द मोस्ट इन हर टीचर वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू इंसर्ट हर होमवर्क, तो अगर ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो आपको तो सुन के कर लेना, आंसर है द स्लॉट वेयर सी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क। वंस द इंस्पेक्टर हैड टेकन अवे टॉमीज टीचर बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर ज्योग्राफी सेक्टर हैड हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और वो कैसे लिखते थे होमवर्क पंच कोड में, फिर ई नंबर क्या है राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एफ नंबर में क्या लिखेंगे सैटरडे एंड संडे। ये जो बी नंबर का क्वेश्चन आंसर है इसको मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना ठीक है। इसमें है व्हाट वाज आउटफुली फनी, व्हाई हैड मार्जी और मार्गी स्टार्टेड हेटिंग हर स्कूल, व्हाट वाज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ज्योग्राफी सेक्टर, ये सब तो आपको ऐसे भी याद होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे रेडीमेड आंसर भी मैं दे दूंगा लास्ट में, आपको देख लेना जाके लास्ट में। और मार्गी थॉट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो ही यहाँ पे कौन है और सी यहाँ पे कौन है, इट है मैकेनिकल टीचर। अब देखो रिस्पॉन्ड टू द पॉइंट्स गिवन इन द फर्स्ट कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, अपने अपने स्कूल का डिस्टेंस लिखना है, इसमें टेंशन मत लेना कि सर अपने यहाँ 25 मिनट्स लिखा हो, मेरा तो डेढ़ घंटा लगता है, या कुछ भी लिख सकते हो आप ठीक है। इंटरेक्शन विद द पीयर ग्रुप, एवरीवन इज इंटरेक्टेड, परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू एकेडमिक डेवलपमेंट इन स्कूल, 8 घंटा 7 घंटा कुछ भी लिख सकते हो, जितने देर का आपका स्कूल चलता है तो आप लिख सकते हैं उसको, उसमें क्या परेशानी है ठीक है। और मार्गी स्टडीज जहाँ पे नो पीयर थे, कोई फ्रेंड उसके नहीं थे ठीक है, नन, नो पीयर की जगह नन भी लिख सकते हैं आप यहाँ। चलो और मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा पेन, यस, और चलो
यहाँ पे ये वाला देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिलेटेड। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में क्या लेंगे, स्पेशल पीरियड। यहाँ पे क्या रहता था हमारा स्पोर्ट्स का, क्या रहता है स्पेशल पीरियड, स्पेशल पीरियड, ठीक है। और इधर मार्गी का कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स नहीं, बैठे रहो घर में घुसे रहो। अब है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नॉट प्रेजेंट होता है, तो ये भी आंसर देख लो। अब नीचे में आ जाता हूँ, कल्टिवेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो ह्यूमन वैल्यूज़ में स्कूल में बहुत कुछ रहता है, म्यूजिक रहता है डियर, आर्ट रहता है, ये सब बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और यहाँ पे क्या है, नन, यहाँ लिख लेना नन, उसका तो कुछ भी नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये हाई है और वहाँ पे वेरी हाई है, क्या हाई है भाई, तो कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज लेवल ऑफ टीचर्स हाई वेरी हाई। तो इसको आप यूज ऑफ कंप्यूटर समटाइम भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल टीचर नॉट अवेलेबल भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वर्ड पावर है, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख करके इसको लिख सकते हो, नॉनसेलेंटली वगैरह का यहाँ पे बनाया है, तो मैकेनिकल नॉनसेलेंटली ऐसे वर्ड का राइटिंग प्रैक्टिस करवाया है ये, ठीक है। ये तो डिस्कशन वाला है, व्हाट ए वेस्ट, व्हाट इज टॉमी रेफरिंग टू एज ए वेस्ट, क्या है वेस्ट, वेस्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे है, चलो तो हाँ बता दो कम से कम ओरली यहाँ पे हमको बता दो, व्हाट ए वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, व्हाट इज ए वेस्ट, यस दैट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ दैट अबाउट बुक। एक्चुअली मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यहाँ पे हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, मैन कैसे टीचर हो सकता था। डिस्कशन मार्गी वाइज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ठीक है। तो वैल्यू में इसको अब नए बुक में वैल्यू में दे दिया होगा आपका, ठीक है। 4 नंबर जो है ना क्लास डिस्कशन आपके नए बुक में वैल्यूज में होगा, लेकिन क्वेश्चन वही है इसलिए सुन लो, ये आपके बुक में वैल्यूज में होगा, तो उसी का वैल्यूज में वही लिख लेना, ये वैल्यूज ही आपका है, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हाई डिड मार्गी थिंक गोइंग टू स्कूल कुड बी ए फन, डू यू एंड योर फ्रेंड ऑल्सो थिंक सो। तो आप अपने से इसको लिख लेना, डिस्कस कर लेना कि यस व्हेन वी गो टू द स्कूल वी मीट विद आवर फ्रेंड, देर इज ए थ्रिल इन स्कूल लाइफ, वी लाइक द स्कूल लाइफ, वी गो इन द बस विद आवर फ्रेंड्स, देयर ऑल्सो वी चैट एंड प्ले एंड देन वी हैव फन, टीचर्स आर ऑल्सो वेरी फनी एंड दे ऑल्सो टीच इन ए फनी वे, वी एंजॉय द एक्टिविटीज इन द स्कूल, ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो लेट्स राइट में यह है, राइटिंग स्किल आपका दिया होगा बुक में, तो लेट्स राइट में है कि आफ्टर डिस्कशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अपोजिट एंड सिमिलर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स, एक पेज में टीचर आपको करवाएगी या करवाएंगे, एक पेज को डिवाइड कर लेंगे हम लोग, टी बार बना लेंगे और फिर वर्सेस में यहाँ पे लिख लेना ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे यस यहाँ पे नो, कौन सा स्कूल अच्छा था कौन बुरा था, ये सब एक्स्ट्रा रीडिंग आप कर सकते हैं, दिस इज अबाउट आवर ऑथर। चलो इसमें कुछ और डाउट होगा तो आप पूछ लेना और लास्ट में मैं क्वेश्चन एड कर देता हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगे हेल्प मिला सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कोई और चैप्टर चाहिए तो बताना।